साड़ी बुनाई सिल्क बनारसी साड़ियाँ कैसे बना रहे हैं वो दिखाते हैं। इधर 2000-1500 में देते हैं, मार्केट में 5000 का मिलता है। तू मार्केट में पूछ के आई है? साड़ी बनारस में नहीं बनता है, गांव में बनता है, और गांव से जब बनारस में जाता है तो बनारस का नाम देकर उसको दुगनी दाम में लोग सेल करते हैं। मैं पसंदती हूँ। ठीक है चलो, तो देख लेते हैं भैया, इतना कह रहे हैं तो अच्छा लगा तो ले भी लेंगे, कोई बात नहीं। और जो सिटी में बनाते हैं वो पावर लूम का होता है, लहंगे वाश करिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पावर लूम की साड़ियाँ होती है उसको घर में यूज नहीं किया जाता है। अच्छा। और ये हैंडलूम की साड़ी से स्तूपा का मंदिर का पूरा डिजाइन आती है बॉर्डर पे। अच्छा। एक साड़ी बनाने में एक दिन में तैयार नहीं होता है, कितना टाइम लगता? साड़ी बनाने में 8 से 10 दिन लग जाता है। अच्छा हाँ। और ये देखिए हम लोग के बाल से भी कपिल धागा होता है, ऐसे टच भी इसको कर सकते हैं, मगर मशीन वाले में टच नहीं कर पाएंगे। बहुत स्मूथ है। ये देखिए नीचे से तैयार कर रहे हैं, पट्टा बना है, ब्लाउज बना है। नीचे से पैर किधर चला रहे हो? ओ ये, ओ वाह, चलाइए तो एक बार। तो ये अभी यहाँ से ये चला रहे हैं, मशीन जैसा है, हाथ से बनते हैं ना? अरे हाथ से। तो ये है कुछ फिशेस, और यहाँ से एंट्री आप करोगे तो आगे जू है। आए हैं हम बाटी चोखा, मम्मी लोग यहाँ बाटी चोखा खा रहे हैं। मैंने टेस्ट कर दिया क्योंकि वो जो मतलब चोखा है उसमें ब्रिंजल होगा और मुझे एलर्जी है उस चीज़ की, तो मैं चटनी के साथ खा रहे थे और दाल के साथ, और मैंने मंगाया पनीर पराठा, तो अभी हम खा रहे हैं। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है, मम्मी से पूछेंगे कि कैसी है। मम्मी कैसा टेस्ट है? बहुत मस्त, मेरा तो फेवरेट है। चलो तो खाते हैं फटके कभी। शॉपिंग के लिए जलान में जो है वाराणसी में होलसेल दुकान, और इनका वही है कि हमसे सस्ता कहीं और मिले तो हमें सूचित करें। भाई क्रेजी, वो दुकान में अब जाके पता चलता है कि वो दुकान साड़ी वाली है ही नहीं, तो उसके ही आगे जाके ये शॉप्स हैं। यहाँ पर काफी काफी जलान जलान शॉप्स है, तो कंफ्यूज मत होना, आगे थोड़ा और बढ़ोगे तो ये साड़ी वाला शॉप जलान वाला मिल जाएगा। चलो अब इसके अंदर जाके देखते हैं, कुछ पसंद आए तो ले लेंगे। तो हम कब से शॉपिंग करते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मम्मी कंफ्यूज होती जा रही है। पापा को रहना चाहिए था। तो और 2-3 ले लेती मम्मी, पापा रहते तो, बट पापा नहीं है, हम ही हैं, तो फटाफट अभी लिया है, पसंद आया है। एक्चुअली कितने दिन बाद हम ये ऑटो में बैठे हैं फाइनली, है ना मम्मी? पहले गांव में हम यही ऑटो में बैठा करते थे क्योंकि पहले हमारे गांव में यही ऑटो चलती थी, और उसके बाद आज मैं यहां पर बैठी हूं क्योंकि सीन कैसा है कि हम कब से ऑटो ढूंढ रहे हैं और हमें ऑटो मिल ही नहीं रही थी, तो ये वाली ऑटो मिली है, मतलब ये रिक्शा मिली है, साइकिल रिक्शा मिली है, तो इससे अब हम जा रहे हैं हमारे होटल। बहुत थक गए, पैर एकदम सुन्न पड़ गए, अभी तब जाते हैं फ्रेश करते होते हैं और फिर बाद में देखते क्या करना है। तो आज हमारा गो स्टॉप में लास्ट दिन है, मतलब काफी लोगों का यहाँ पर जो है लास्ट दिन है, ये तो आज ही हमें मिले। आपका नाम? जयेश। मुझे पता है आप लोगों को बुला देती। हाँ, तो आज सबका लास्ट दिन है यहाँ पर, नाइट है, और कल सुबह सुबह सब निकल जाएंगे, इसे भी छोड़ के सॉरी, तो कल सुबह पहले ये जाएंगे, तो इनको फेयरवेल देना है मुझे। थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, हिमाचल में मिलते हैं अब कभी, बनाएंगे प्लान तो मिलते हैं, ठीक है? अरे ये क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, कल ये भी निकल रहे, कितने बजे निकल रहे हो? मुझे आपको छोड़ के जाना है, मुझे तो मजा आ रहा है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया तुम लोग के साथ, ठीक है बाय। और ये भी है, ये तो 10 तारीख तक रुक रहा है, क्या करेगा 3 दिन मुझे नहीं पता, बट मजा करेगा वो पता है। बाय, कल मजा करो कल से, ठीक है बाय, मिलते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर यात्री, बाय बाय। ये सब कुछ दिखा रहा है कि इसने कितने सस्ते सस्ते चीज में सामान, कितने में मिला ये सब कुछ? ये 60 बार्गेनिंग किया गया, और ये मैंने लिया है सारे मेरे फ्रेंड्स के लिए, ये सब मिला के 120।
और इसके बैग हमारी हेल्प की बहुत है, किचन भी है, आई डोंट नो मैग्नेट लिया है तो इसकी बैग आज बहुत हेल्प किया हमको बैग ने, क्योंकि हमने काफी सामान सब ले लिया लेकिन हमारे पास बैग ही नहीं थे। और ये बेचारा आज बहुत तंग आ गया था। तेरे को कुछ फीलिंग है आज के दिन की वो बता दे। आज शाम गुस्सा भी आ गया स्कूल की, क्या क्या ही बताऊं मैं। आज ये गुस्से में तो था, हम सब में था, किसी से बात नहीं कर रहा था इवनिंग में, बट हमने इसे शांत में छोड़ दिया कि चल थोड़ा टाइम में शांत हो जाएगा खुद ही। बट यार कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इतना रुकना पड़ता तो। क्या बोल रहे हो? मैं अच्छा इडली डोसा नहीं यार, हम शॉपिंग करने लगे और इसे शॉपिंग नहीं करनी थी तो ये रुका था हमारे लिए 2 घंटा पूरा। तो पता नहीं ये ट्रिप के बाद हम कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट काफी अच्छा एंजॉय किया सबने, अच्छे अच्छे सबके बारे में सबको सब कुछ पता है। बहुत अच्छी मेमोरी के साथ ये ट्रिप यहाँ पर एंड होगा कल, बट यादें एंड नहीं होगी, वही फर्क है। तो मिलेंगे कभी और कहीं अलग अलग जगह पे, कहीं भी जाऊंगी मैं इन लोग के एरिया में तो मैं मिल लूंगी इनसे। क्या हमारे तो काम ही है घूमना, कहीं भी घूम जाएंगे। चलो तो अब आ गया वो टाइम तो हमें गो स्टॉप को बाय कहना पड़ रहा है तो चलो फिर अब निकलते हैं। अब जाएंगे हम अयोध्या और हम इनके साथ जा रहे हैं, हम लोग का तीनों का ट्रेन का टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है तो हम साथ में ही निकल रहे हैं बीएसबी के लिए। और यहाँ पर मतलब मुझे पता चला 2 स्टेशन है वाराणसी में, बीएसबी एंड सिटी, बीएसबी बोलते हैं तो बीएसबी से अभी हमारा, और हम अभी निकल गए। तो अभी हमारी ट्रेन है 11:45 की, जो कल हमें पता चली है रात में कि 11:45 की है। उससे पहले लग रहा था कि डिले हो गई है ट्रेन, बट नहीं हुई है, 11:45 की है। तो चलो फिर चलते हैं, बहुत धूप है यार, अभी व्लॉग लेके थक जाऊंगी। बाय। हम यहाँ जल्दी पहुँच गए, यहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि ट्रेन डिले हो गई है, तो 2 घंटा ट्रेन डिले है, तो 2 घंटा अभी वेट करना होगा हमें, और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन आएगी, पता नहीं और कितना लेट हो जाए। तो ये ले लिया है अब भैया से, अब मैं जा रही हूँ अंदर। मम्मी को और मेरे को दोनों को भूख लगा था, बोला स्टेशन से निकलेंगे सामान सब लेके वापस तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो सोचा कि चलो स्टेशन पे ही बैठ के खा लेंगे अभी कुछ। तो अभी जाते हैं, कुछ खाते हैं पहले मैं और उसके बाद देखते हैं और क्या करना है, बहुत बोर हो रहा है फिलहाल। तो भाई साहब मेरी ट्रेन लेट हो गई है काफ़ी, पहले थी ट्रेन 11:30 बजे की जो अब 3 बजे की हो गई है, तो इतना लेट तक 3 बजे मैं पहुँचने वाली थी अयोध्या, तो सोचा कि चलो कोई नहीं। तो बस स्टॉप पे आ गए, बस स्टॉप पे देखा बस भी बहुत लेट थी, तो यहाँ एक लकीली अंकल मिल गए जो लखनऊ से आए थे यहाँ पर और यहाँ से रिटर्न जा रहे थे, तो वो बीच में मुझे अयोध्या छोड़ने के लिए रेडी हो गए कुछ पैसे लेके। तो देखते चलो पहुँच जाए यहाँ पर, बहुत गर्मी हो रहा है, मम्मी के मुँह से आपको समझ गया होगा। मैं तो थक गई, तंग आ गए हम दोनों, बहुत बहुत गर्मी है यहाँ पर फिलहाल, ये सीज़न नहीं है यहाँ आने का, बट कोई बात नहीं, मज़ा आई काफ़ी, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे, नेक्स्ट टाइम वापस ठंडी में भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो फिर अब निकलते हैं अयोध्या। भाई साहब अभी यहाँ के लोग इतने इरिटेटिंग है, अभी वो अंकल जो यहाँ छोड़ के चले गए हमें, वो पूछते हैं कि वो कहाँ गए, अपने नंबर नहीं लिए वो अपने इसके वाले उनके वाले की, तो मैं कैसे लूँ यार नंबर, हमारे पीछे बस खड़ी है, रुक गई है हमारे वजह से गाड़ी पूरी। अब अंकल और थोड़ा लेट आ जाए क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, मैं उसके साथ एक बार लाइव भी गई थी, तो वो आ रहा है मिलने, होपफुली मिल पाए हम। वो पहुंच गया है वाराणसी स्टेशन क्योंकि मैंने उन्हें कहा था, अभी मैं बस स्टॉप पे आ गई हूँ तो उसे बस का पाना होगा, तो और 5-10 मिनट लगेगा उनको यहाँ पहुँचने में। तो ये आए हैं मुझसे फटाफट मिलने एकदम, अंकित भैया ने इनको भेजा है, वो नहीं आ पाए लेकिन उनके दोस्त को मुझसे मिलने भेज दिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मैं बनारस का ही हूँ। आप मेरे वीडियो देखते हो? यस मैम, हमेशा बहुत ज्यादा। थैंक यू, इनका वीडियो इतना अच्छा लगता है कि पूछे बता, हमेशा सभी वीडियोस लाइक करते रहते हैं। थैंक यू, चलो मिलते हैं फिर अगली बार, मेरा हेलो बोल देना। चलो बाय। भाई ये बहुत ज्यादा अभी ट्राई कर रहे हैं अगर मेरी कुछ हेल्प हो जाए गाड़ी के लिए, तो देखते हैं अब कुछ होता है कि नहीं। बहुत प्यारे हैं, मुझे बोलते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ आप बताइए ज़रा। तो मैंने उनके सामने से एक बोली कि अगर प्राइवेट कोई गाड़ी मिल सकती है, मेरा बजट ये है, मैंने उनको कहा, तो वो वैसे टाइप के देख रहे हैं, अभी गाड़ी मिल गई तो बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। बहुत धूप है, वो प्रॉब्लम है, मम्मी बेचारी अकेली बैठी हुई है, मम्मी का क्या हालत है देखो, खा रही है देखो। तंग हो गई मम्मी, उसको बोली हूँ मैं दूसरा गाड़ी देखने के लिए, वो बोला कि क्या हेल्प कर सकता हूँ करके। मैं के लिए तो हमारा ऐसे हो गया कि हमने किया जल्दी जाने के लिए गाड़ी कर रहे हैं, बट गाड़ी अभी उन लोग ने ऐसे किया कि रुका ही रहे वो ऐसा, तो इससे अच्छा तो हम सस्ते में बस से चले जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम रुकना पड़ रहा है यहाँ पर। वही तो, एक तो ले भी रहा है 3,000, तो ऐसा थोड़ी चलता है कि कुछ भी करे, क्या फायदा यार। ट्रेन का मस्त टिकट था 1200 रुपए का दोनों जन का, लेकिन ट्रेन काफी लेट है,
इतना, और हम निकल गए वहाँ से, सुबह चेक ही नहीं किया ट्रेन। तो पूरे एक घंटे रुकने के बाद हमारी चाय आ गई। तब से चाय बनी रही थी एक घंटे से, पी के भी देखते हैं एक घंटे की चाय है कि नहीं है। गरम है ठीक से। मम्मी कैसा चाय? अच्छा लग रहा है। क्या बोली? पहले भी ठीक चाय पी रही, माने के बाद इधर चाय छूट गए। तो अभी हम अयोध्या जा रहे हैं गाड़ी से, तो उसके बीच में ही हम ये चाय पी रहे हैं अभी कहीं एक ढाबे पे रुके, क्योंकि ड्राइवर अंकल को खाना खानी थी। हम तो खाना खा के आए थे, तो ड्राइवर अंकल को भूख लगी थी, तो यहाँ रुक गए हम लोग। चलो चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं वापस अयोध्या के लिए। तो भैया पहुँच गए हम पूरे 6:30 बजे अयोध्या। चलो उतरते, पहले यहाँ बहुत बंदर है, फोन बचानी होगी मुझे खाली मेरी। तो ये हमने ली है पैटी सी दुकान से। हम एक रुक रहे हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तो नाना जी चाय पिलाने लेके आए हैं और बाद में पैटीज खा रही हूँ मैं अभी फिलहाल, क्योंकि मैं भूख ही नहीं हूँ। चाय के साथ पैटीज खा लेती हूँ तब तक। मम्मी यहाँ पर सब चाय पी रहा। तो मैं स्टे कर रही हूँ ये मंदिर के अंदर। ये मंदिर के अंदर काफी रूम्स बने गए, ये इसका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ स्टे कर रही हूँ।